नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात तक और मैं हूँ ईशा मालवी। गुजरात में आने वाले दिनों में निकाय चुनाव होने वाले हैं। राज्य की बड़ी पार्टियां इस चुनाव के लिए अपनी कमर कस चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी और AIMIM इस चुनाव में हिस्सा लेने वाली है। ऐसे में गुजरात निकाय चुनाव में कांग्रेस की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इसमें एक नया पैंतरा आजमाया है। कांग्रेस ने इस बार फैसला लिया है कि वो जनता से संवाद करने के बाद लोगों की परेशानियों का हल निकालेगी। गुजरात में स्थानीय चुनावों से पहले 6 नगर निगमों में मतदाताओं से संपर्क करने के लिए मंगलवार को एक अभियान शुरू किया गया है। कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम हेलो है, जिसके तहत अहमदाबाद, भावनगर, जामनगर, राजकोट, सूरत और वडोदरा में रहने वाले मतदाता किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक नंबर पर फोन या व्हाट्सएप कर जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कई सालों से सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी लोगों की बुनियादी मुद्दों को हल करने में नाकाम रही है। छोटी जाहिरात तो करी है, प्रजा ने भ्रमित करी गया। जारे कांग्रेस पक्षे निर्णय लीधो छे के प्रजा ने तकलीफो ने वाचा आपवानो समय में खूब नजीक छे। एवा संजोगों में आ प्रजाना प्रश्नों, रजूआतों, सूचनों ने अमे सांभळीशुं अने अमे आवनारा समयना चूंटणीना मेनिफेस्टो में समावेश करीशुं। अने ज्यारे सत्ता परिवर्तन थाय त्यारे अमारो प्रथम एजेंडा छे કે પ્રજાના પ્રશ્નો, પ્રજાની હાલમાળીને વહેલામાં વહેલી તકે નિવારણ કરવામાં આવે। લોકશાહીમાં ક્યારેય શાસકોનો અહંકાર ચલાવી લેવાય નહીં। જે શાસકો જનતાનો અવાજ ના સાંભળે એને સત્તા પર રહેવાનો કોઈ અધિકાર રહેતો નથી। આજે સામાન્ય માણસ અને શાસકો વચ્ચે અંતર દિવસે દિવસે વધતું જાય છે। ऐसे में इस कैंपेन की मदद से कांग्रेस जनता से संपर्क बनाकर उनकी परेशानियों को हल करेगी। कांग्रेस द्वारा निकाय चुनाव के मद्देनजर कैंपेन का आगाज हो चुका है, लेकिन जामनगर में हुए कैंपेन के बीच शायद कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को महामारी की जानकारी नहीं रही। ऐसे में हेलो जामनगर में महामारी के नियमों का जमकर उल्लंघन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने ना तो मास्क पहना और सोशल डिस्टेंसिंग की कल्पना करना तो बेवकूफ़ी होगी। चुनाव में मतदाताओं से वोट मांगने की फिराक में कई गुजरात कांग्रेस कोरोना का सुपर स्प्रेडर ना बन जाए। खैर, अब गुजरात में अपनी सियासी जमीन गवा रही कांग्रेस आम आदमी पार्टी और ओवैसी की एंट्री से हड़बड़ा गई है। सूबे में अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस लगातार हाथ पैर मार रही है, मगर अब देखना ये होगा कि हेलो कैंपेन के माध्यम से कितने लोगों तक कांग्रेस पहुंच पाएगी और कितना ये कैंपेन कांग्रेस के लिए कारगर साबित होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।